सीबी द्वारा मुंबई में हुई बड़ी कार्रवाई पर बात करने के लिए हमारे साथ एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान साहब हैं। सर, अभी तक की क्या इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं? कितने लोगों को हिरासत में लिया है, उन्हें गिरफ्तार कर दिया है? किस एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन के तहत उन्हें अभी बुक किया जा रहा है? देखिए, तीनों चीज़ें कालांतर में आप लोगों को पता चल जाएंगी, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि 8 लोगों को हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए। पूछताछ अभी जारी है, बहुत शीघ्र वो कंप्लीट हो जाएगा और जो गिरफ्तारी के लिए निर्णय लेना है वो ले लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल पूछताछ जारी है। वो लोग हिरासत में हैं। 8 लोगों की सूची जो है वो हम लोग पब्लिक डोमेन में दे चुके हैं, वो आपके पास भी होगा। क्योंकि चरस बरामद हुआ है, एमडीएमए और एमडी बरामद हुआ है, और एक्सटेसी जो कि सिंथेटिक ड्रग है वो बरामद हुआ है। तो ये बरामदगी भी पब्लिक डोमेन में है और ये सारे पार्टी ड्रग्स की श्रेणी में आते हैं, और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई भी हो रही है। और हो सकता है आने वाले समय में 48 घंटे हों, 72 घंटे हों, हो सकता है कई दिनों, कई हफ्तों की कार्रवाई बाकी रह जाए। इसमें जो पूछताछ में इनपुट्स आ रहे हैं या फिर जो मोबाइल फोन्स के खंगालने में जो इनपुट्स आएंगे, उस पर आगे की कार्रवाई होगी और उम्मीद है कि इसमें हम लोग और इसके तह तक पहुँच पाएंगे और सोर्स तक पहुँच पाएंगे। एक सिग्निफिकेंट कार्रवाई हो, सिंबॉलिक कार्रवाई जो कि कारगर हो, जो जिसका इफेक्ट पड़े, इम्पैक्ट पड़े, वो होना ज़रूरी है। और इसी तरह की इम्पैक्टफुल कार्रवाई हम लोग आगे भी करते रहेंगे, और ताकि एक मैसेज जाए कि भारत में नशा, नशीले पदार्थ को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और चाहे एनसीबी हो, चाहे डीआरआई हो, डीआरआई का आपने देखा कि अभी 3 टन हीरोइन जब्त किया मुंद्रा पोर्ट में। तो ये एक समेकित कार्रवाई है और टीम इंडिया की कार्रवाई है, और ये आगे भी जारी रहेगा। तो हमारे साथ थे एसएन प्रधान साहब, जिनका साफ कहना है कि एनसीबी जो है नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है, और इसमें चाहे कोई भी लोग हो, चाहे वो मुंबई का बॉलीवुड कनेक्शन हो या फिर दिल्ली का कनेक्शन हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जो सोर्स है जहां से ये ड्रग्स लाई जा रही है, वहां तक पहुंचने की कोशिश एनसीबी कर रही है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासन सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्यामुळे अखेर डोंबिवली भोईरवाडीतल्या नागरिकांना रस्त्यावरती उतरावं लागलं। खंबाळपाडा भोईरवाडी परिसरामध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे। या विभागात किमान 5 ते 6 हजार नागरिक राहतात। विभागात धड रस्तेही नाहीत, डासांचा प्रचंड त्रास होतोय। मनपाशी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही सामान्यांना न्याय मिळालेला नाही। अखेर भोईरवाडीतल्या नागरिकांनी मानवी साखळी आंदोलन केलं। ठाण्यातील सावरकर नगर नाका इथल्या नाल्यावरचा काँक्रीटचा स्लॅब अचानक खचल्याची घटना घडली। यामुळे रस्त्यावरून सुरू असणारी वाहतूक तूर्तास बंद करण्यात आली। जेसीबी बोलावून रस्त्याची डागडुजी करणार असल्याचं या ठिकाणी मनसेनं सांगितलंय। विठू माऊलीचा गजर म्हणजे